पलामू की, जहां विश्रामपुर पंचायत से प्रियंका सिंह ने अपनी दावेदारी पेश की है। प्रियंका सिंह ने मुखिया पद के लिए अपना पर्चा भरा है। प्रियंका अपने जीत को लेकर पूरी तरह से आश्वस्त दिखाई पड़ रही है। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि अगर वो जीत जाती है तो क्षेत्र में विकास का काम करेगी। तो खबर पलामू से है, जहां आपको बता दें कि विश्रामपुर पंचायत से प्रियंका सिंह ने अपनी दावेदारी मुखिया पद के लिए पेश की है। उन्होंने कहा है कि अगर वो जीत जाती हैं तो क्षेत्र में विकास जो है वो उनकी पहली प्राथमिकता होगी। यहां आपको यह भी बता दें कि प्रियंका सिंह जो है अपनी जीत को लेकर के काफी ज्यादा आश्वस्त है। क्षेत्र में अभी एक दो रोड बाकी रह गए हैं, जो अभी हम लोगों का 2 साल से फंड जो है वो 15वीं आयोग का रोक दिया गया था, जो अभी क्लियर होगा तो जो 2 रोड बचा है उसको क्लियर कराना है। हमारे पंचायत में 10 ऐसे मिट्टी के घर बच गए हैं जिसको पूरा करना है, पक्का का करना है। और शिक्षा पे भी है कि यहाँ पे बल देना है, जरूरी है। बच्चों को 100% स्कूल में नामांकन करवाना जरूरी है। अच्छा लगता है कि महिलाओं का मेरे साथ पूरा समर्थन है। जैसे हमारे यहाँ कुछ योजना चलता है, जैसे मनरेगा का भी पूरा योजना चल रहा था जिसमें महिलाएं हमारे यहाँ 50% ठेकेदार हैं, 50% वहाँ के लेबर हैं, जो उसमें रोज़गार कर रहे हैं और उससे रोज़गार पा रहे हैं।